क्या हरियाणा और महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से जाना तय है? क्या यहां पर पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न महाराष्ट्र न हरियाणा इसके चुनावी समर या चुनावी जमीन पर इतने सक्रिय नहीं दिखाई देते? न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूटी थी सिंधुदुर्ग जिले में, राजकोट किले में, उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं? दोनों ही राज्यों दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नर्वस दिखाई देती है। और ये जो नर्वसनेस है वो बौखलाहट में दिखाई दे रही है अलग अलग मोर्चों पर। महाराष्ट्र के अंदर, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर जूतम पैजार जारी है। अजीत पवार के बारे में दूसरा मंत्री कहता है कि इन्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। अजीत पवार कहता है पहले आप अपना इलाज करवा लो। नारायण राणे और उनके बेटे बेलगाम बेखौफ आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं पर गाली गलौज करते हैं, कहीं धमकी देते हैं, यानी स्पष्ट है कोई रणनीति नहीं है। बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यह बौखलाहट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा में भी दिखाई देती है। दोस्तों आज इस शो में मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं, एक एक पहलू पर गौर कीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले गौर कीजिए दोस्तों किस तरह से सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी वो जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, उनका सर धड़ से जुदा हो गया है। यह मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और एमवीए यानी कि शरद पवार, उद्धव सेना और कांग्रेस इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। शरद पवार का एक और बयान आया है दोस्तों जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें, और इस बयान पर वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इसके पीछे की सोच को समझिएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड, या ये कहा जाए बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा ब्रांड, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे नहीं है। सबसे बड़ा ब्रांड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं शरद पवार। शरद पवार का ताजा बयान आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का कारण भ्रष्टाचार है। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके शरद पवार ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही समुद्र के सामरिक महत्व को रेखांकित किया था और सिंधुदुर्ग तथा अन्य समुद्री किलों का निर्माण करवाया था। यह देखना चौंकाने वाला था कि कुछ महीनों पहले ही बनी प्रतिमा ढह गई जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। दोस्तों गौर कीजिएगा इस मुद्दे पर, न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जा रही है बल्कि सिंधुदुर्ग जिले में जिस तरह से सामरिक किलेबंदी छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी उसकी अहमियत को यहां पर महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार रेखांकित कर रहे हैं, उस पर जोर डाल रहे हैं। वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मूर्ति टूटने से सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं हुआ है बल्कि उनकी विरासत का अपमान हुआ है, क्योंकि इसी सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति की वजह से हमलावर दूर रहे मगर अब भ्रष्टाचार के चलते महज 8 महीनों में उनकी मूर्ति टूट गई जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी थी मगर जनता उनकी माफी की गंभीरता पर सवाल कर रहे हैं। जनता यह पूछ रही है आपने माफी मांगी मगर उस माफी में भी आपको सावरकर का सहारा लेना पड़ा जिन्होंने अंग्रेजों से एक दर्जन बार माफी मांगी थी। जनता यह भी पूछ रही है कि माफी मांगने में भी आप राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत
इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं, उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन बुरी तरह से बौखलाई हुई है। याद कीजिए दोस्तों, सिंधुदुर्ग में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है वहां कई राजनेता पहुंचते हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं। इस तस्वीर में देखिए वो पहुंच रहे हैं यहां पर, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन पर प्रहार बोल देते हैं, वो उन पर उग्र हो जाते हैं। यहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, आदित्य ठाकरे पर हमला हो सकता था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मूर्ति आपकी भ्रष्टाचार की वजह से टूटी और आदित्य ठाकरे पर यह उग्र तेवर अपनाने की क्या जरूरत है? और बात वहां नहीं रुकती, नारायण राणे और उनके बेटे लगातार भाजपा गठबंधन का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले नारायण राणे जी की नाराजगी देखिए, एबीपी न्यूज का माइक छीनने की कोशिश। अरे भाई, आपका पालतू चैनल है फिर भी एबीपी न्यूज से नाराज। सुनिए नारायण राणे किस तरह से बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। पोलीस का आम्हाला आजमा होता का दरी वेळेला बाहेरचे यायचे काय यायचे इथे काय? एक चांगली गोष्ट आहे का महाराजांचा पुतळा पडला आणि और बात वहां नहीं रुकती है, आदित्य ठाकरे वहां पहुंचते हैं और उनके तेवर में कहीं पर भी गुस्सा नहीं है। वो वहां पहुंचे हैं मगर देखिए पुलिस वाले से कैसे भिड़ रहा है नारायण राणे का बेटा। देखिए साहब, अब आप बताइए सत्ता में कौन है, पुलिस किसके पास है, महाराष्ट्र पुलिस किसके अंतर्गत है? भाजपा गठबंधन के अंतर्गत। मगर नारायण राणे के बेटे जो हैं वो भिड़ रहे हैं पुलिस के साथ। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में सत्ता किसकी है? भाजपा गठबंधन की है। मगर नितेश राणे जो कि नारायण राणे के बेटे हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में घुसकर हमला कर देंगे, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्योंकि अब भाजपा गठबंधन को लग रहा है कि भाई जीत का सिर्फ एकमात्र रास्ता है हम जहर उगलें, लगातार उगलें, बार बार उगलें, और तभी हम हिंदू मुस्लिम राजनीति कर पाएंगे, वोट दो फाड़ कर पाएंगे और तभी हम जीतेंगे। यही वजह है कि नितेश राणे इस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं, यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। आज सवाल उठाया जा रहा है, इन सवालों के जवाब नहीं है भाजपा गठबंधन या स्वयं प्रधानमंत्री के पास, और उसे समझना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो सबसे बड़े ब्रांड यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ब्रांड भी हर गुजरते दिन के साथ, वो चेहरा भी हर गुजरते दिन के साथ दरक रहा है। लोकसभा चुनावों में हम इसका सबूत देख चुके हैं। शिवसेना को आपने दो फाड़ कर दिया, एनसीपी को आपने दो फाड़ कर दिया, उनके चुनाव चिन्ह को लेकर असमंजस था, मगर हुआ क्या, जनता ने उद्धव सेना,
शरद पवार और राहुल गांधी पर विश्वास जतलाया और दूसरी तरफ झूतम पैजार चल रही है। सुनिए तानाजी जो कि एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कि अजीत पवार होते हैं तो मुझे उल्टी आ जाती है, उल्टी, और ये सब गठबंधन का हिस्सा है। सुनिए तानाजी साहब का बयान। हमारा मासूम था शिवसेना, कभी नहीं आविष्कार कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी समाजा जमले होते, शिकत असल्यापासून आता पर्यंत की वास्तव काही कसं होतं, जसं एनर्जी म्हणतो एक गोळी खाली उलट्यावाला चालू होतात त्या अवस्था आहे, कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला मांडीला बसून असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात ही वस्तू। और जाहिर सी बात है अजीत पवार चुप नहीं रहने वाले थे, उनके पार्टी के नेता हैं संजय तटकरे, उन्होंने कहा कि अगर उल्टी आती है तो अपना इलाज करवाइए। सुनिए संजय तटकरे ने किस तरह से पलटवार किया। तानाजी सावंत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत दादा के बगल में बैठने से उनको उल्टी आती है। हमारा ये कहना है कि ये जो स्थिति है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी नहीं, उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है, मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द तानाजी सावंत जी से ये गुजारिश है कि आप बताएं अगर डॉक्टर मुहैया कराने की जरूरत है तो हमारे से हमसे संपर्क करें। तो देखा आपने, फुल ऑन झूतम पैजार चल रही है महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी पार्टी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। नतीजा ये दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला जो उनके साथ 5 साल सत्ता में थे उनकी पार्टी तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। मगर सबसे पहले हरियाणा में जो सबसे बड़ी चुनौती है ना कि सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। आपके स्क्रीन पर राव इंदरजीत सिंह नाराज हैं और इसी के चलते कम से कम 10 सीटों में मामला फंसा हुआ है। अलग अलग एजेंसीज इसको लेकर क्या खबरें दे रही हैं आपके स्क्रीन पर। हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। ऐसी ही बैठक पार्टी मुख्यालय में सोमवार देर शाम हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में राव इंदरजीत को खास तौर से बुलाया गया था। राव इंदरजीत सिंह पार्टी नेतृत्व में दक्षिण हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रहे हैं और ये 10 सीटें कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पर। रेवाड़ी, अटेली, गुरुग्राम, बादशाहपुर, बावल, नारनौल, पटौदी, सोहना। जी हां, ये वो सीटें हैं जिसकी मांग राव इंदरजीत सिंह कर रहे हैं। राव इंदरजीत सिंह नाराज हैं क्योंकि एक बार फिर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। दुष्यंत चौटाला पहले ही साथ छोड़ चुके हैं और राव इंदरजीत सिंह की नाराजगी को लेकर एनडीटीवी जो कि खासम खास चैनल है इनका, खुद क्या कह रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर। राव इंदरजीत सिंह केंद्र सरकार में तीसरी बार राज्य मंत्री बनाए जाने से खासे नाराज हैं। वो अपनी नाराजगी को कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा में सरकार का रास्ता अहीरवाल से होकर जाता है। वो इशारों में पार्टी नेतृत्व को चेताते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जतला चुके हैं लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि इस बार का चुनाव नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। राव इंदरजीत सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, इसमें से 3 बार वो लगातार बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। जी हां दोस्तों, नायाब सिंह सैनी के मुकाबले राव इंदरजीत सिंह का कद कहीं ऊंचा है, मगर राव इंदरजीत सिंह पर दाव लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि भाजपा भी समझती है कि हरियाणा में हालत पतली नहीं है। अगर यहां पर प्रधानमंत्री को चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती है
तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठेगा कि भाई आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, हार गए। यही महाराष्ट्र में भी हो रहा है, वहां पर कहीं पर भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। हरियाणा में भी यही हाल है, नायाब सिंह सैनी पर दाव जो है वो लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, दुष्यंत चौटाला को तगड़ा झटका, पूर्व मंत्री समेत 3 विधायक बीजेपी में शामिल। विधायक राम कुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने एक साथ पार्टी छोड़ी। नायाब सिंह सैनी ने तीनों नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया। और दोस्तों, ये वो पार्टी है जो पिछले 5 सालों से सत्ता में थी, मगर फिर किसानों का आंदोलन होता है, हरियाणा की महिला पहलवान जमीन पर दिखाई देती हैं और इससे बाजी पलटने लगती है। अब खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों को कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इससे हरियाणा में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जी हां, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, और अगर वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन इसका बहुत बड़ा असर जाएगा, बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि ये लोग लगातार संघर्ष करते रहे। किसके खिलाफ? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लगातार बोलते रहे कि महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हुआ है, मगर बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके बेटे को कैसरगंज से एक बार फिर टिकट दे दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस बात को लेकर हरियाणा की जनता नाराज है, मगर क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल? कांग्रेस में भी कई दावेदार सामने पेश आ रहे हैं दोस्तों। कुमारी शैलजा सांसद हैं, मगर कह रही हैं कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहूंगी। हालांकि अब केंद्रीय आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सांसद है उससे हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाएंगे, यानी कि इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में उनके पक्ष में बाजी है। मगर अब भी पार्टी को कायदे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से वो सबसे बड़ा नाम है। लिहाजा अगर आज उनके नाम की घोषणा हो जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस के पक्ष में लहर और मजबूत हो जाएगी। मगर कांग्रेस में अब भी कई खेमे हैं और उसके चलते ये नहीं किया गया है, जो मुझे लगता है सही नहीं है। कांग्रेस ने एक और चीज की घोषणा की है दोस्तों, इस खबर पर आपको गौर करनी पड़ेगी। खबर देखिए, कांग्रेस हरियाणा में 5 सीट आम आदमी पार्टी को और 1 समाजवादी पार्टी को देने को तैयार। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, मगर कांग्रेस ने कहा है कि हम आपको 5 सीटें देने को तैयार हैं। और इसके पीछे की सोच पर गौर कीजिएगा, आपको याद है राहुल गांधी ने कहा था कि हम गुजरात में जरूर जीतेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत है, उनकी पार्टी को सीटें भी मिली थी, इसीलिए गुजरात के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग करने वाली है। मगर उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम हरियाणा के अंदर दोनों एक साथ चुनाव लड़ें, एक दूसरे के वोट ना काटें, तभी गुजरात में एक दूसरे के वोट नहीं काटेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस कोशिश कर रही कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। यहां पर भी मामला उलझा हुआ है, मगर इतना उलझा हुआ नहीं है जितना बीजेपी में है। जो भी हो दोस्तों, मामला बहुत दिलचस्प है, राजनीति बहुत दिलचस्प है और पल पल की खबर मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।